रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अधेड़ की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चक्रुंडा के रहने वाले बेचेलाल का शव कल गांव के बाहर खेत से खून में लथपथ मिला था। शव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की थी। और क्या था, पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी महेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि बेचेलाल और वो बचपन के दोस्त थे, इसी बीच की उनके बीच में मनमुटाव हो गया, इस कारण उसकी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मैं आपको बता दें कि इसी के चलते आज क्षेत्राधिकारी लालगंज महिपाल पाठक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई गई। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी मनीष के साथ। कल दिनांक 7 दिसंबर 2021 को हरचंदपुर में सूचना प्राप्त हुई कि बेचेलाल पुत्र स्वर्गीय राम आश्रय उम्र लगभग 50 वर्ष जो ग्राम चकसुंडा हरचंदपुर का रहने वाला था उसी के गांव के बाहर खेत में उसकी बॉडी मिली थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल SHO हरचंदपुर क्षेत्राधिकारी महाराजगंज मौके पर पहुंचे तथा साथ ही फॉरेंसिक टीम को लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा किया गया जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए अभियुक्त एक जिसका नाम है महेश पासी प्रकाश में आया, उसको जो पुत्र शीतल प्रसाद पासी निवासी सकसुंडा का ही रहने वाला था उस साथ में उसने बताया कि मैं और बेचेलाल एक ही साथ में उठते बैठते खाते पीते थे। कुछ दिनों से किसी बात को लेकर के इनमें अनबन हुई जिसको रास्ते में आते जाते कभी भी देखता था तो गाली गलौज करता था। इसी से वो क्षुब्ध होकर के शाम को बेचेलाल को पानी की बोतल लेकर खेतों में जाते हुए देखा तो उसने वहीं पर पकड़ करके उसको मारा पीटा और उस पर जो उसने कपड़ा पहना था वो खून से सना हुआ था उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है, डंडा भी बरामद कर लिया है।